वेलकम स्टूडेंट्स, जैसे कि अब जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर्म्स जो फिल हो रही हैं उनमें से एक कैटेगरी आती है अचीवमेंट कैटेगरीज। तो वो जिन बच्चों की वो अचीवमेंट कैटेगरीज हैं वो बच्चे अपना फॉर्म कैसे फिल करेंगे। बेसिकली यहाँ पे बड़ी किस्म की कैटेगरीज होती हैं। एक तो होती है जनरल कैटेगरी, जिसे आप कहते हो ओपन मेरिट कैटेगरी। इसके बाद कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं जो कि कास्ट पे होती हैं, जैसे लाइक एससी, एसटी, आरबीए, ओबीसी, एएलसी। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज और होती हैं, जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड, जहाँ वार्ड्स ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी में अगर आपका कोई फैमिली मेंबर काम कर रहा है तो उसके लिए भी एक सीट होती है, तो हैंडीकैप शैसी। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज और होती हैं जिन्हें अचीवमेंट कैटेगरीज बोला जाता है। उस कैटेगरीज़ में जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन के टाइम एनसीसी किया है, एनएसएस किया है, या किसी कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, या फिर आपने कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन किया है, तो जो बच्चे इन चीज़ों में पार्टिसिपेशन करते हैं अपने कोर्स के ड्यूरिंग, तो उनके लिए एक अचीवमेंट कैटेगरीज होती हैं। हर एक कैटेगरीज में जो आप अवार्ड्स मिलते हैं आपको, हर एक अवार्ड का एक पॉइंट सिस्टम होता है। उस जितने अवार्ड मिले होते हैं उतने पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट होता है। तो अब अचीवमेंट कैटेगरीज जो होती हैं वे बोथ पीजी कोर्सेज और जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यूनिवर्सिटी के थ्रू होते हैं, जैसे एलएलबी होती है या डिप्लोमा लेवल्स के कुछ कोर्सेज होते हैं या होटल मैनेजमेंट है, तो उनमें भी ये सेम यूज़ होती हैं। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। एक होती है एनसीसी, एक एनएसएस, एक स्पोर्ट्स होती है, एक कल्चर एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ की होती है, एक बार स्काउट्स एंड गाइड्स एक्टिविटीज़। तो ये पांच टाइप्स की अचीवमेंट कैटेगरीज होती हैं। अगर इनमें से इन पांचों में आप में किसी का पार्टिसिपेशन है और आपने कुछ अवार्ड्स या सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं तो आप उसके पॉइंट्स आपको मिलेंगे। लेकिन इन अचीवमेंट कैटेगरीज़ की भी कोई कंडीशंस होती हैं। इनकी सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि ये जो एक्टिविटीज़ है स्टूडेंट ने अपने ग्रेजुएशन या फिर ट्वेल्थ, क्योंकि ट्वेल्थ बेस्ड वाले स्टूडेंट्स भी के भी कुछ कोर्सेज होते हैं, ग्रेजुएशन बेस्ड के भी कोर्सेज हैं, तो जिन्होंने 3 साल रेगुलर अपने कोर्स में इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन किए हैं वो एलिजिबल होते हैं। आपका 3 साल अटेंडेंस होना चाहिए आपके कॉलेज में, या फिर अगर ट्वेल्थ बेस पे जा रहे हो तो 2 साल की अटेंडेंस होनी चाहिए, 11th एंड 12th। इस टाइम के दौरान जो भी आपने एक्टिविटीज़ की हुई हैं उनके लिए आप एलिजिबल होंगे। सबसे पहले प्रेफरेंस उन्हीं को है। अगर एक कोई प्राइवेट स्टूडेंट है जिसने अपनी अंडर ग्रेजुएशन 4 साल में कंप्लीट कर रहा है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको सबसे लोएस्ट में लिया जाता है। तो पिछले 3 साल में एक रेगुलर स्टूडेंट्स ने जो एक्टिविटीज़ की होंगी उनके लिए वो ज़्यादा एलिजिबल होंगे। उसके अलावा आपकी एज जो है वो 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हर साल आपकी एज 1 सितंबर 2018 तक आप 25 ईयर्स से ज़्यादा ओल्ड नहीं होने चाहिए। खैर अंडर ग्रेजुएशन में जो रेगुलर कोर्स करता है वो तो 20, 22, 23 ईयर एज में ही कंप्लीट हो जाती है, उसकी 25 तक नहीं आती। लेकिन फिर भी कुछ हैं, अगर 25 से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब आ जाता है एनसीसी, एनएसएस और बार्ड स्कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि एक रेगुलर स्टूडेंट्स होना चाहिए, उसने जो भी पार्टिसिपेशन किया है, जो भी परफॉर्मेंस किया है, उसका जो भी सर्टिफिकेट मिला है उस सर्टिफिकेट पे उसके टीचर इंचार्ज, जो उस टाइम टीचर इंचार्ज था, उसके सिग्नेचर होने चाहिए, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के सिग्नेचर होने चाहिए उस एक्टिविटीज़ के लिए। फर्स्ट प्रेफरेंस उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिन्होंने ग्रेजुएशन जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेजेस हैं वहाँ से की होगी और जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किया होगा, जो यूनिवर्सिटी ने करवाए होंगे प्रोग्राम, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकंड प्रेफरेंस उन बच्चों को दी जाएगी जो इस स्टेट के हैं, मतलब इस स्टेट का उनके पास स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन ग्रेजुएशन वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, तो उनको सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी।
थर्ड प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो इस स्टेट के भी नहीं है और उन्होंने उनकी ग्रेजुएशन इस जम्मू यूनिवर्सिटी में भी नहीं, यानी कि बाहर किसी स्टेट का स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहा है तो उनको दी जाएगी थर्ड प्रेफरेंस। सेम कल्चर एक्टिविटीज़ में फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी जो जम्मू यूनिवर्सिटी के हैं, इस स्टेट के हैं और जो अवार्ड जम्मू यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं उनमें उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी डिस्प्ले योर टैलेंट प्रोग्राम एक करवाती है, अगर उसमें किसी का पार्टिसिपेशन है तो फर्स्ट प्रेफरेंस उस बच्चे को दी जाएगी। सेकंड प्रेफरेंस उन बच्चों को दी जाएगी जो इस जम्मू यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, इन जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आते बट इस स्टेट के हैं और जो उनके जो किसी नेशनल लेवल कंपटीशन या किसी जोनल लेवल कंपटीशन में कोई इस स्टेट के अंदर जो बड़े सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जोनल वाइज व स्टेट वाइज प्रोग्राम होते हैं अगर उनमें पार्टिसिपेशन है तो उनको सेकंड मिलेगी। सेम ये चीज़ 10+2 वालों के बच्चों के लिए भी है कि अगर 10+2 में थे आपने, 11th और 12th में अगर जो पार्टिसिपेशन है वो आपकी अपनी स्टेट के अंदर है, आपने बोर्ड अपनी करवा रहा है तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। थर्ड प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी जो कि उस स्टेट के नहीं है और जो जिनकी ग्रेजुएशन भी किसी और यूनिवर्सिटी में हुई। स्पोर्ट्स में मे भी फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी जो स्पोर्ट्स जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा की गई होंगी, जिन स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन जिनका इवेंट्स जो भी कुछ भी है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर हुआ है तो उनको दी जाएगी फर्स्ट प्रेफरेंस। तो सेम इसमें वही कंडीशन आ जाएगी कि जम्मू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स है, जम्मू यूनिवर्सिटी ने कोई इवेंट करवाया उसकी अगर उसकी पार्टिसिपेशन है, उसमें अवार्ड जीता है उसने तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकंड प्रेफरेंस उस स्टूडेंट को दी जाएगी जो किसी और का इसी स्टेट का है लेकिन यूनिवर्सिटी कोई और है, जैसे आप कह सकते हो कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी, स्टेट्स के अंदर और भी काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी का है तो उसको सेकेंड प्रेफरेंस दी जाएगी। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एक नोट है, इस अचीवमेंट कैटेगरीज के अंदर आप जो एडमिशन लेने जा रहे हो आपको एक एडमिशन के टाइम एक एफिडेविट देना पड़ेगा, उस एफिडेविट में आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि जिस अचीवमेंट कैटेगरी को लेकर आपकी एडमिशन हुई है फर्दर अगला कोर्स यानी कि पीजी कोर्स में भी आपको उस कैटेगरी यानी कि उस इवेंट्स में पार्टिसिपेशन करनी ही होगी। सपोज करो एक स्टूडेंट है वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी लेके एडमिशन ले रहा है और जैसे इसकी पीजी में एडमिशन हो जाती है और वो कहता है कि नहीं अब मैं नहीं खेलूँगा या मैं इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करूँगा बिना किसी रीज़न के अगर वो कहेगा नहीं अब मैंने इस चीज़ में पार्टिसिपेशन नहीं करनी तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। ये चीज़ है ना, तो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन एंड अचीवमेंट कैटेगरी शैल हैव टू फर्निश एन एफिडेविट एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू फैक्ट दैट शी शैल कंटिन्यू टेक पार्ट इन रिस्पेक्टिव अचीवमेंट कैटेगरी। और यहाँ पर लिखा गया ये आप अपनी जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्ट खोल के देखोगे तो ये पैरा वहीं से मैंने लिया है, वहाँ पे लिखा गया कि आपको जिस कैटेगरी के अंडर आप एडमिशन ले रहे हो इस अचीवमेंट्स के थ्रू आपको वो कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी विदाउट कोई सॉलिड रीज़न। अगर आपको छोड़ने में है तो आपके पास कोई काफ़ी बड़ा रीज़न होना चाहिए, अदरवाइज आपको पार्टिसिपेशन करनी ही पड़ेगी। जे यहाँ के जो मेरिट्स पॉइंट होंगे जिनकी डिटर्मिनेशंस होगी आपकी कैटेगरी के, वहाँ पे एक टीम होगी जो टीम वाइस चांसलर्स ने बनाई होगी वो पूरी टीम आपके जो पॉइंट्स की कैलकुलेशन करेगी। अब जहाँ पे आ जाता है कि हर कैटेगरी में क्या क्या पॉइंट्स है, तो ये आप अगर जम्मू यूनिवर्सिटी का आपके पास प्रॉस्पेक्ट है, अगर नहीं है ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, लिंक भी अवेलेबल है वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। वहाँ पे हर आपके लास्ट में पेजेस हैं शायद 136 पेजेस से ऑनवर्ड, यहाँ पे हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंगली दिया गया है हर एक पार्टिसिपेशन। यहाँ पे अभी इस वीडियो में पूरा ये पढ़ाना कि कम से कम 10-15 पेजेस का है, समझाना काफ़ी मुश्किल है लेकिन आप देख सकते हो आपने जिस भी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है उस इवेंट्स के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया कि अगर आपने कोई भी परफॉर्मेंस पार्टिसिपेशन इंडिविजुअल टीम लेवल एट स्पोर्ट्स गेम सीनियर नेशनल कंपटीशन की तरह करवाई है, अगर आपकी उसमें फर्स्ट पोजीशन है तो आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे, सेकंड पोजीशन है तो 8, पार्टिसिपेशन विदाउट एनी स्कोरिंग पोजीशन 6 पॉइंट्स। तो इसी तरह हर एक चीज़ की लिखी है, ये सारी स्पोर्ट्स की लिखी है, कल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटी भी यहाँ पे लिखवाई गई है कि यूथ कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम में अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है तो 12 पॉइंट्स मिलेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे 10 मिलेंगे, सेकंड पे इतने, तो हर एक चीज़ की है, एनसीसी, एनएसएस,
नेशनल एनसीसी की भी यहाँ पे लिखी गई है कि आपने एनसीसी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम अगर फॉरेन कंट्रीज़ में किया है तो आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपने रिपब्लिक डे परेड दिल्ली में की हुई है तो आपको 7 पॉइंट्स मिलेंगे, बेस्ट कैडेट का आपको अवार्ड मिला है तो 7 पॉइंट होंगे, फर्स्ट पोजीशन है तो 6.5 होंगे सेकंड, इस तरह यहाँ हर एक की भी उन्होंने पॉइंट्स बनाया है, जो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है एनएसएस का भी दिया गया कि अगर आपने इंटरनेशनल लेवल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है एनएसएस में तो 9 पॉइंट्स मिलेंगे, आपको अगर बेस्ट अवार्ड मिला है एनएसएस एक्टिविटीज़ के लिए तो वो 8 पॉइंट मिलेंगे, गवर्नर मेडल मिला है तो 8 पॉइंट मिलेंगे, एजुकेशन सेक्रेटरी कमेंडेशन मेडल मिला है तो 6 पॉइंट मिलेंगे, 120 आवर्स का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है एनएसएस का तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी, हर एक जो आपने पार्टिसिपेशन की होगी उसके वहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, आप उसको खोलिए, देखिए आपने जो एक्टिविटी की है वो एक्टिविटी को यहाँ पे ढूंढिए और देखिए आपके पास जो अवार्ड है उसके कितने पॉइंट्स हैं, वो सब कुछ हैं यहाँ पे काफ़ी हर एक चीज़ का बना हुआ है, तो ये आप प्रॉस्पेक्ट से देख। अब आ जाता है कि अगर आप ये आपके पास एक्टिविटीज़ हैं इसके बाद आपको क्या करना है कि कैसे ये अचीवमेंट कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाने हैं बिफोर 16th of July, ताकि आपका जो मेरिट है वो यूनिवर्सिटी की टीम कैलकुलेट कर सके और आपको एडमिशन में वो पॉइंट मिल सके। उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपने जम्मू यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन फॉर्म है JEE जो ऑनलाइन, वो फर्स्ट पहले वो फिल करना है, सबसे पहले वो फॉर्म पूरा फिल करना है, उसमें अपने कोर्स की प्रेफरेंसेस देनी है, सब कुछ दे के उस फॉर्म का क्या करना है प्रिंट आउट लेना है। जब वो प्रिंट आउट ले लेंगे उसी साइट पे एक अचीवमेंट कैटेगरीज के फॉर्म ऑफलाइन फिल होंगे अवेलेबल है, वहाँ से अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स का जो फॉर्म है वो डाउनलोड करना है, ये फॉर्म है वहाँ पे बेसिकली, और इस पे लिखा गया एडमिशन फॉर द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रिजर्व कैटेगरी स्पेसिफाइड, ये अलग एक अलग टाइप की रिजर्व कैटेगरीज होती हैं जो NCC, NSS, बार स्काउट्स एंड गाइड, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखा गया JEE रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो JEE रजिस्ट्रेशन नंबर था आपने यहाँ पे फिल करना है, आपके फॉर्म के ऊपर लिखा होगा वो नंबर, उसके बाद आपका जो JEE जो रोल नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है, उसके लिए आप किस कोर्स प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखनी है वो प्रोग्राम, आपकी अगर 5 चॉइसेस दी हैं तो 5 चॉइसेस यहाँ पे लिखनी है, एक ही फॉर्म आपको सबमिट करवाना है, ये नहीं है कि 5 आप चॉइसेस दिएंगे तो 5 फॉर्म बना के लेके जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही फॉर्म बनाना है, इसी फॉर्म के ऊपर आपको 5 चॉइसेस लिख देनी है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, फादर का नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी मार्कशीट के ऊपर होता है, किसी भी सेम की मार्कशीट ले लो उस मार्कशीट पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, ये नंबर सेम रहता है पूरे कोर्स के दौरान, इनफैक्ट आप PG करने भी जाओगे तब भी ये सेम ही रहेगा, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है। नेशनलिटी आपने अपनी इंडियन से लिखनी है, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग मैट्रिकुलेशन / 12th एग्जामिनेशन, यहाँ पे पूछा गया कि किस ईयर में आपने 10th और 12th पास की, आप दोनों लिख दीजिए, 10th का ईयर भी लिख दीजिए यहाँ पे, 12th का ईयर भी लिख दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है तो ये स्पोर्ट्स का कॉलम बना हुआ है, सबसे पहले इवेंट एक्टिविटी, यहाँ पे इवेंट एक्टिविटी क्या हुआ था, क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ था, फुटबॉल का हुआ था, बैडमिंटन का हुआ था, जो भी टूर्नामेंट हुआ वो यहाँ पे लिखना है। मार्क्स जब पॉइंट्स एलोकेटेड ईच एक्टिविटी, कितने मार्क्स थे ये आपको प्रॉस्पेक्ट से मिलेगा, मैं कितने मार्क्स का ये इवेंट था, 9 मार्क्स का था, 10 मार्क्स का, 15 का मार्क्स, पॉइंट्स कैलकुलेटेड बाय कैंडिडेट बाय सेल्फ इवेलुएशन, आप कितने मार्क्स इसको काउंट कर रहे हो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है वहाँ पे लिखा गया कि इस सर्टिफिकेट के 10 पॉइंट हैं या 8 पॉइंट है तो आपने यहाँ पे लिखने कि ये मेरे पास ये सर्टिफिकेट्स हैं और इस सर्टिफिकेट्स के इतने पॉइंट हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 पॉइंट, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ सर्टिफिकेट अटैच्ड, आप कितने उस जो अवार्ड मिला हुआ है उसके आपके पास कितने सर्टिफिकेट आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हो तो आपने यहाँ पे नंबर लिखना है 1, 2, 3, 4 जितने सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। लास्ट कॉलम जो है मार्क्स पॉइंट नॉर्मलाइज्ड बाय द ऑफिस, ये ऑफिस यूज ओनली है, यूनिवर्सिटी की जो टीम है उन लोगों के लिए ये कॉलम है, आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, वो लोग खुद आपके यहाँ पे आपने जो यहाँ पे मार्क्स मेंशन किए होंगे, जब पॉइंट्स मार्क्स मेंशन किए होंगे वो यूनिवर्सिटी की टीम इसको चेक करेगी, अगर ठीक हुए ठीक है, अगर गलत हो रहे हैं तो वो खुद यहाँ पे करेक्शन कर देंगे। तो ये स्पोर्ट्स का कॉलम बना हुआ है, ये आपने स्पोर्ट्स के, अगर आपके पास कल्चर का भी
कोई सर्टिफिकेट है, तो कल्चर का आपने सेम यहीं पे लिखना है, पॉइंट्स वगैरह जितने सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एनसीसी का है तो आपने यहाँ पे एनसीसी का पूरा डिटेल देनी है, कौन सा सर्टिफिकेट है, आरडी का है, नेशनल स्टेट लेवल का है, फॉरेन कंट्री लेवल का है, जो भी सर्टिफिकेट है, कितने पॉइंट्स हैं, में कितने पॉइंट्स कैलकुलेट हो रहे हैं, कितने सर्टिफिकेट अटैच किए जा रहे हैं, वो सब यहाँ पे लिखने हैं। बार स्कोर्स एंड गाइड्स का भी यहाँ पे, तो ये पूरा फॉर्म है। लास्ट में नीचे लिखा गया है सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं विद डेट, और यहाँ पे टोटल मार्क्स ओबटेन्ड, तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि टोटल मार्क्स जो आपने नहीं लिखने, वहाँ पे जो टीम होगी वो कैलकुलेट करके लिख देगी कि आपके टोटल मार्क्स कितने बने। तो ये आपके यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कॉलम बने हुए हैं, इन 4 कॉलम्स में आपने हर एक एक्टिविटी जिस एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन की हुई है वो लिख देनी है। लेकिन किसी भी एक्टिविटी या सर्टिफिकेट जहाँ पे अटैच, जीरोक्स कॉपी लगानी है, उस सेल्फ अटेस्टेड कर देनी है, वो कॉपी खुद के सिग्नेचर कर देने हैं, वो एक वैलिड सर्टिफिकेट लगाना है, ऐसे नहीं कि कोई होगा। तो कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगा रहे हो, जो आपने यूज़ कर रही हो, उसका आपको ऊपर यहाँ पे देख लेना कि वो सर्टिफिकेट वाकई यहाँ पे है भी है, जहाँ उसके पॉइंट है भी है या बिना नहीं है। मैक्सिमम जो जम्मू यूनिवर्सिटी के थ्रू करवाए होते हैं इवेंट, उनके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। आपने देख लिया ऊपर सभी प्रेफरेंसेस में कि किन किन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, किन को कम मिलेगी, तो ये चीज़ है। बाकी ये इतना, इसको जो है सभी को अटैच करके डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, वो सीधा पर मेन गेट से जाओगे तो सामने आ जाता है, फाउंटेन के राइट साइड हो जाओगे तो वो सामने है, सीधा फाउंटेन के राइट साइड हो जाओ तो वहाँ पे है सोशल साइंस डिपार्टमेंट के सामने, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम है, उसी के बीच में डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपको जाके ये 16 जुलाई से पहले पहले सबमिट करवा देने। लेकिन एक मेन कंडीशन वही है कि पहले जेयूट का फॉर्म फिल करिए, जेयूट फॉर्म का प्रिंट आउट इसके साथ अटैच करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो वो सभी का प्रिंट आउट अब जीरोक्स कॉपी इसके साथ अटैच करनी है। मार्क्स यहाँ पर पॉइंट लिखने में अगर आपको कोई गलती भी हो जाती है, नो प्रॉब्लम, वो यूनिवर्सिटी की जब वो टीम फाइनली इसको चेक करेगी तो वो कर लेगी, अगर आपने कुछ ज़्यादा लिखे हैं या कम लिखे हैं वो उसको कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। तो बस इतना ही है ये अचीवमेंट कैटेगरीज। ओके, थैंक्स।